डे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सब शौक में आ गए होंगे कि आज मैं कैसे हिंदी में वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मेरी मॉम से जब मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि सिमरन, जब तुम अपने सपनों का घर शूट करोगी तब तुम हिंदी में वीडियो बनाना। और ये जो आप घर देख रहे हैं मेरे पीछे, ये मेरे सपनों के घर से कम नहीं है। दिस इज एन अल्ट्रा लग्जूरियस प्रॉपर्टी गाइस, स्प्रेड अक्रॉस 1006 स्क्वायर यार्ड्स, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू गिव यू फुल टूर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। पर अंदर जाने से पहले आप प्लीज हमारे कोड एस्टेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत एनकरेजमेंट और सपोर्ट मिलता है। एंड आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इट इज कोड अंडरस्कोर एस्टेट। Guys, so we have entered your ultra modern bungalow. This is a 5000 approx carpet area luxurious bungalow. You can see the tone, only two tones have been used, white and wood. It is a graceful and very modern bungalow. Look at the size of the living room. You have a formal sitting area where you can gather your guests, your family can enjoy tea session. You have windows on both sides for cross ventilation, and this side, this is the main door from where we had entered. Your air conditioning unit is installed. This is an informal sitting area. You have colorful couches here, so pop of blue is given in your neutral tone house. It's a very graceful bungalow. This is a wooden staircase unit that takes us to level 1. अगर आप विंडो के बाहर देखेंगे, आपको बहुत सारी हरियाली दिखेगी क्योंकि बहुत सारे पेड़ और पौधे प्लांटेड हैं। अब हम आपके घर का नॉर्थ कोना देखने वाले हैं, जहां पे पूजा रूम है। दिस इज अ डेडिकेटेड प्रेयर एंड मेडिटेशन रूम। दिस इज वेयर योर विंडो इज। यहाँ से बहुत अच्छी सूरज की रोशनी आ रही है, हर चीज सफेद है, तो इसलिए बहुत पीसफुल सा वातावरण है और आसपास इतनी हरियाली है, बहुत पॉजिटिव घर है ये। तो हमने पूजा रूम देख लिया है, ये आपका फॉर्मल सिटिंग एरिया है, अब हम डाइनिंग एरिया देखते हैं। चलिए, ये आपका डाइनिंग एरिया है, एट सीटर डाइनिंग डेडिकेटेड। यू कैन एंजॉय व्यू ऑफ दिस पोर्च, यू हैव अ फाउंटेन देयर। अभी पानी बंद किया हुआ है लेकिन वो आप ऑन कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कितने सारे पेड़ और पौधे आसपास हैं। ये आपका क्रॉकरी यूनिट है। दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, दिस इज अ रेफ्रिजरेटर। तो ये आप फ्रिज, चिल, फ्रीजर, पैंट्री, दिस इज फॉर वाइन एंड अदर बेवरेजेस। तो ये आपका किचन है, किचन का भी इंटीरियर सफेद है। योर काउंटर टॉप इज वाइट, योर ड्रॉवर्स आर वाइट, दीज वॉल कैबिनेट्स, एवरीथिंग इज फिनिश्ड इन वाइट। इट्स अ वेरी ग्रेसफुल एंड एलिगेंटली डिजाइंड किचन। दिस फ्रिज दैट यू सीइंग, दिस इज योर डबल डोर रेफ्रिजरेटर वेयर यू कैन स्टोर सो मेनी आइटम्स। वाओ, दिस कूल ब्रीज फील्स सो गुड इन समर्स। अगर आप और अंदर जाएंगे तो दैट्स वेयर योर स्टोरेज इज, यू कैन स्टोर योर ईयरली राशन देयर। देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस, सो योर पल्सेस एंड राइस यू कैन स्टोर इन बल्क। नाउ इट इज टाइम टू चेक योर बेडरूम्स गाइस। सो इफ यू विल सी, दिस डाइनिंग स्पेस हैज 3 डोर्स। दिस इज डोर 1, दिस एक्चुअली टेक्स यू टू द हाउस हेल्प और द सर्वेंट्स मेड क्वार्टर। देयर स्लीपिंग, वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम, so we'll avoid going inside. But this door takes you to your bedroom, and this door that you're seeing, this is the powder bathroom. Let's check out the powder bathroom. Again, everything finished in white. And now this is your bedroom 1. The interiors of this house is very simple, but the most charming part about this space is the greenery. From the window you can enjoy view of your backyard. This side you have your dressing unit and your attached bath and toilet. Anti-skid flooring, a dedicated shower area and a long counter to get ready.
अब वक्त आ गया है फर्स्ट फ्लोर देखने का, जहाँ पे आपके बाकी के कमरे हैं। तो इस फ्लोर पे किचन था, सर्वेंट्स एंड हाउस हेल्प क्वार्टर, डाइनिंग एरिया, एक बेडरूम। अब चलिए ऊपर चलते हैं। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, ये आपका कॉमन एरिया है। बहुत पीसफुल घर है ये। मोका इज फॉलोइंग अस एवरीवेयर, ही इज आल्सो एंजॉयिंग द हाउस टूर। ये आपका कॉमन एरिया है गाइस, यहाँ से भी आप इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। ये आपका बैकयार्ड है, नीचे से जो हमने फाउंटेन देखा था ये वो फाउंटेन है। आप यहाँ पे आउटडोर सिटिंग चेयर अरेंजमेंट ये सब लगा के शाम के वक्त अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब चलिए लेट्स एक्सप्लोर द बेडरूम्स। कम मॉकर, यू वांट टू जॉइन अस, कम। सो दिस इज बेडरूम नंबर टू। लुक एट द साइज ऑफ द बेडरूम, दिस इज ऑल्सो मास्टर बेडरूम बिकॉज इट हैज अटैच बाथ एंड टॉयलेट ऑन दैट साइड। This is your floor to ceiling wardrobe finished in white. It is duco painted. You have two windows for ventilation. उस तरफ आपका एक window है और अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी आपके दो windows हैं। तो बहुत ज़्यादा cross ventilation है इस पूरे घर में। And यहाँ पे bathroom है with anti-skid flooring. आप shower area देखिए, that sage green tile. It looks beautiful. Love it. चलो मौका, हाँ हम दूसरा room देखते हैं, आओ। यह आपका बेडरूम नंबर थ्री है। दिस इज द मास्टर बेडरूम। लुक एट द साइज ऑफ दिस बेडरूम, हैज अ किंग साइज बेड। यू हैव दोस टू साइड टेबल्स दैट हैव ड्रॉवर्स एंड स्टोरेज, सो आप अपना मिसेलेनियस आइटम वहां पे स्टफ कर सकते हैं। ये आपका कंसोल यूनिट एंड ये बड़ा सा टीवी यूनिट। सो इन योर मास्टर बेडरूम यू कैन एंजॉय अ ग्रेट मूवी सेशन विद योर फैमिली। This is your walk-in wardrobe. It's as big as a kid's bedroom. ये आपका female wardrobe है, इस तरफ आपका male wardrobe with the dressing unit. आप यहाँ पे आराम से तैयार हो सकते हैं। ये जो आपको दरवाजा दिख रहा है, this is a sliding door. ये sliding दरवाजा आप खोलेंगे, फिर आप अपने बाथरूम में आ सकते हैं। यहाँ पे दो WC है, this long counter for your cosmetics and other toiletries. And this is a dedicated shower area. Everything is finished in white with these wall lamps. Just few elements that are highlighting the interior, but it is a very modern house, guys. हमने तीन bedrooms देख लिया है, अब हम चौथा वाला bedroom देखेंगे. We're back in your common area. That's your bench sitting, very different kinds of sitting with stools next to it, so you can keep your coffee mug there. ये जो आप कमरा देख रहे हैं, this is your home theater. काफ़ी सामान है अंदर, तो इससे हम अंदर जा नहीं सकते, आपको पूरी तरह से हम ये जगह दिखा नहीं सकते, लेकिन आपको स्पेस का आइडिया हो इसलिए मैं आपको एक हल्का सा ग्लिम्स देती हूँ। ये आपका होम थिएटर रूम है जहाँ 10 लोग आराम से मूवी देख सकते हैं। ये आपका चौथा बेडरूम। So this is your bedroom number fourth, guys. This is like an informal room which is actually converted into a lounge. आप यहाँ पे अपनी meetings कर सकते हैं, laptop पे काम कर सकते हैं। ये आपका informal sitting area है, या फिर अपने दोस्तों को बुला के chill करिए, जो मन है वो आप इस room में कर सकते हैं। It's a beautiful and a spacious room, very bohemian touch. This has a balcony attached to it that overlooks your front porch. That's a garden, guys. You can do so much with this space. Plant lovers, y'all can literally grow various trees, vegetables, fruits and flowers. It has a swing in your balcony, so in your free time you can just sit, read a book here, unwind. Amazing ceiling height, so you get the grandness feeling in your balcony. Plus it is surrounded by greenery, so very peaceful, guys. My heart is filled with warmth. This is such a positive house. We're getting inside now. Now it's time to show you the outdoor area. Come. We saved the best for the last, and now it is time to show you what is outside the premises of this bungalow. This is your
foyer area. You look at the flooring. This is also finished in white. It's actually considered very positive in Feng Shui and Vastu. And that is your spacious garden. Now we are seeing the best part of this house. Look at this space. Surrounded by windows on two sides. Open to sky, front porch, guys. You can have your outdoor chairs, sitting arrangement here. Look at the tiles, checkered tiles. You have windows, so from this door, you can access the living room, and the one behind me takes you to your dining area. It's a beautiful space where you can throw amazing parties and host some beautiful events, do barbecues there. So much to do. I'm in love with the bungalow. Timeless colors have been used, like whites and browns and gray. Nothing gaudy. It's a very graceful, elegant and sophisticated bungalow, guys. Epitome of sophistication. I am in love with this property. If you are interested in this property, then you can get in touch with our team. More details about this property I'm placing in the description box below. And with this, we end your house tour. Let me know what you think about this property in the description box below. And please support us. Do subscribe to our YouTube channel. You can also follow us on Facebook and on Instagram. This is code_estateguys. I'm your host Simran Gupta. आपको मिलते हैं हम अपने दूसरे वीडियो में.